महादेवी ने सती के रूप में राजा दक्ष की बेटी बनकर पुनर्जन्म लिया। बचपन से शिव की कहानियां सुनकर सती बड़ी हुई और शिव को पाने के लिए अपना घर छोड़ वो वन में गहरी तपस्या करती रही। तपस्या को देख शिव प्रसन्न हुए और सती को अपनाया। उसकी भुजाएं बदली कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। राजा दक्ष को ये विवाह मंजूर नहीं था, लेकिन अपने पिता को मनाने सती बिन बुलाए उनके घर के प्रसंग में शामिल होने चली गई। तेरा पति वो जटा वाला अघोरी, कोई देवता वेवता नहीं है वो, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां कदम रखने की? शिव का अपमान सुनकर सती ने महादेवी का रूप धारण किया। तेरा विनाश मेरे पति के हाथों ही होगा, ये कहकर सती यज्ञ की आग में कूद गई। ये सुनते ही शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और फिर शुरू हुआ तांडव। जल प्रवाह पाविक स्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंगांग मालिका मट्ट मट्ट मन्निनाद मट्ट मर्वय चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मेघरी कदंत कद्ध कज्ज्वलललाट मंड पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण Shut up.
जगले खोले किले धरा और स्वर्ग भी डोले गूंज उठे हर दिशा शब्द में नाद उसी का पम पम बोले वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। गुस्से में आकर अपनी जटाओं से शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली को जन्म दिया। काल मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का काल मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का काल मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का काल मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का जाओ और सृष्टि का विनाश कर दो, दक्ष का सर लेकर आओ मेरे लिए। पीठ ढल पीठ हाथ पांव मार के